वैशाली के चेहरा कला के कहटिया बुजुर्ग में राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया। इस दौरान नारियल फोड़कर तेज प्रताप यादव ने विधिवत शिलान्यास किया। वहीं बढ़ते अपराध पर तेज प्रताप यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव पर कहा कि जिस प्रकार उपचुनाव में 0/0 था, उसी प्रकार आने वाले चुनाव में नीतीश चाचा का पत्ता साफ होना तय है। उन्होंने कहा कि महुआ की जनता से जो मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया था, वह उन्होंने पूरा किया है। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने के ऐलान पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मांझी को जहां जाना है वहां जाएं, उन्हें सिर्फ जनता से मतलब है। केवल वैशाली नहीं, पूरे बिहार का ये स्थिति बना हुआ है। क्राइम पूरा बढ़ा हुआ है, मॉम लिंचिंग भीड़ का हिस्सा लोग बन रहे हैं। हाँ, तो सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, जो सरकार में है सरकार नियंत्रण करे। सरकार तो अपने सोई हुई है ना, इनसे सरकार चल नहीं रहा है, प्रशासन का लोग नहीं चल रहा, अफसर इन पे हावी हुए जा रहे हैं, थाना पुलिस कहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। तो फिर चाचा का क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में चाचा गोल हो गए हैं, 0/0, 0/0 आ गया उनको। इस बार नजर नहीं आएंगे क्या? उनका क्या स्वरूप होगा इस बार? क्या होगा स्वरूप? तो उनका खत्म हो गया ना, जो उन्होंने किया अपना कारनामा, तो स्वरूप उसी दिन खत्म कर लिया। 450 करोड़ का मेडिकल कॉलेज का जो हमने वादा किया, हमने पूरा किया, हमने देने का काम किया महुआ को। सरकार में न रहने के बाद भी आपने पूरा किया? हम तो सरकार में जब थे तभी से हम लोग का प्रकरण चल रहा था, और एज अ महुआ के विधायक होने के नाते हम रात दिन सदन से भी हर एक जगह से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे कि महुआ में मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, और हमने करके दिखाया, पास कर दिया। जी अलग हो जाए, मांझी इससे क्या लेना देना है हमको? हमको अपना जनता से मतलब है, जनता हमको जीता के भेजेगा, हमको जनता का भरोसा है। मांझी जी अलग जाए या जहाँ जाना है मांझी जी जाए अपना।